आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A10 का एक नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना पड़ेगा। अब सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना पड़ेगा। अब नीचे आने के बाद एकदम नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद पहले आपको एक बार चेक कर लेना पड़ेगा आपका अगर अपडेट आया है कि नहीं। आपका हालांकि आपका अपडेट आ जाएगा क्योंकि ये जो अपडेट है वो April 1, 2021 का अपडेट है, तो अभी तक आ जाना चाहिए आपका। और इसका अपडेट का साइज़ है 402 MB। और यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलता है, न्यू और इन्हेंस्ड फीचर, फर्दर इम्प्रूवमेंट और डिवाइस स्टेबिलिटी, ये सब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कराने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो तब तक यहाँ पर अभी देख सकते हैं मेरा भी अभी डाउनलोड हो रहा है, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरा अपडेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं इसको रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसा भी आप देख सकते हो मेरा सिस्टम अपडेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। अब जो क्या नया चीज़ आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो साइड में जब आप ऐप्स को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऐप नया ऐप मिलेगा, एक है जोस और एक है फ़ोन पे। तो मुझे नहीं पता हर टाइम ये दोनों ऐप आपको देंगे ही सैमसंग, तो इसको चलिए अनइंस्टॉल करते हैं, इसको भी अनइंस्टॉल करते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस ऐप का। तो मुझे लगता है बैक एंड में कुछ नया अपडेट सिक्योरिटी पैच के लिए अपडेट हुआ है, और उसके बाद और भी बग्स जो था वो भी कुछ अपडेट हुआ है यहाँ पर। मुझे